सोशल डिस्टेंस के नाम पर लोग कल जनता कर्फ्यू के दिन रास्तों पे दिखाई दिए, जबकि मकसद ये था कि लोगों को अपने घरों में रहना था, लेकिन वहीं लोग उल्टा करते दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में ऐसे लोगों को कोरोना बताते हुए कहा, असल भारत में इस वक्त जो कोरोना है वो ऐसे लोग हैं जो बात नहीं मानते, बात नहीं सुनते, और ऐसे लोग रहे तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और तो और कल जनता कर्फ्यू के दिन लोग रास्तों पर जनता कर्फ्यू को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके लिए रैली निकालते हुए दिखाई दिए। ताज्जुब की बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में साफ तौर पे कहा था कि अपने घर की बालकनी से आप घंटियां बजा सकते हैं, बर्तन बजा सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, लेकिन वहीं लोग रास्तों पर ऐसा करते हुए दिखाई दिए और तो और रैली भी निकाली ताकि उसको सक्सेसफुल बना सके। भारत में इस वक्त कोरोना वायरस से 1417 लोग इफेक्ट हो चुके हैं और 7 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। अभी अभी जो शख्स कोरोना वायरस की चपेट में आया है उसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है, और यह भी बताया जा रहा है कि उनका काफी क्लोज कांटेक्ट था कोरोना वायरस पेशेंट के साथ। दिल्ली सरकार लोगों को खाना बांटते हुए दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ शाहीन बाग पूरी तरीके से इस वक्त खाली दिखाई पड़ रहा है। वहीं कुछ लोग ट्विटर पर शाहीन बाग को भारत की शान कहते हुए नहीं थक रहे, कह रहे हैं कि पहले भी शाहीन बाग भारत के अच्छे के लिए सोच रहा था और इस वक्त भी कोरोना वायरस की वजह से जो लोग अपने घरों में चले गए, आज भी शाहीन बाग लोगों के अच्छे के लिए ही सोच रहा है। लोग ट्विटर पे इस वक्त सुपरस्टार्स का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ हॉलीवुड सिंगर रिहाना की फोटो लगा के दिखा रहे हैं कि वो अपने पैसों से लोगों की मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बॉलीवुड के एक्टर अमिताभ बच्चन की फोटो दिखा रहे हैं जहां वो सिर्फ लोगों को ताली बजाने की दावत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ताली बजाने से वायरस का खात्मा किया जा सकता है। और तो और लोग लगे हाथों ट्विटर पे इटली के कुछ डॉक्टरों की फोटो भी लगाते हुए उनको शाबाशी और दाद दे रहे कि उन्होंने कैसे लोगों की मदद करी। उनके चेहरों के निशान से पता लगाया जा सकता है कि इस वक्त उनके चेहरों पर मास्क के जो निशान पड़ चुके हैं, लोगों का इलाज करते करते दिन और रात एक कर दिया वहां के लोगों ने, लेकिन अभी भी इस बीमारी को रोकना वहां पर मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए। लेकिन डर इसी बात का है कि कहीं वो वायरस इटली में जैसे फैला, डर ये है कि कहीं इंडिया में ऐसा ना फैल जाए। भारत में हर स्टेट पूरी तरीके से कोशिश जरूर कर रहा है हर चीज को लॉकडाउन करने की, लेकिन वहां लोगों से जो सहायता मिलनी चाहिए सरकार को वो सहायता नहीं मिल रही है। लोग अभी भी रास्तों में दिखाई दे रहे हैं जबकि उनको घरों में रहने की नसीहत की गई है। अगर आप इस वीडियो को अपने घर से देख रहे हैं तो मेहरबानी करके जितना हो सके घरों में रहें, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात कुछ दिन के लिए बंद कर दें, फोन से चैटिंग करें, वीडियो कॉल करें, क्योंकि इस वायरस को फैलने से सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, आपका लोगों से थोड़ा दूर रहना। खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।